अगली खबर में बात करते हैं मैहर की, जहां राजनगर में स्थित अहलूवालिया समूह की केजेएस सीमेंट प्लांट के श्रमिक नेता की मौत के बाद मैहर में दिन भर बवाल मचा रहा। फैक्ट्री के बाहर मजदूरों का हुजूम जमा रहा और सड़क पर सब रखकर देर रात तक प्रदर्शन चलता रहा। इस दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच पूरा क्षेत्र छावनी में तब्दील नजर आया। देर रात मामला तब शांत हुआ जब प्रबंधन ने मुआवजे, नौकरी और बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने की जिम्मेदारी की शर्त मानी। हालांकि इसके बाद भी कुछ नेता किस्म के ठेकेदार वहां नेतागिरी दिखाने की कोशिश करते रहे। केजेएस सीमेंट के श्रमिक नेता और सीटू यूनियन के मैहर अध्यक्ष मनीष शुक्ला पर पिछले दिनों जानलेवा हमला हुआ था। मनीष को इलाज के लिए जबलपुर में भर्ती कराया गया था, जहां शुक्रवार की रात श्रमिक नेता की मौत हो गई। यूनियन नेता की मौत की खबर मिलने के बाद से ही फैक्ट्री में माहौल तनावपूर्ण हो गया था। जबलपुर में पीएम के बाद जब शनिवार की दोपहर सब मैहर पहुंचा, तब तक वहां भारी संख्या में मजदूर फैक्ट्री गेट के सामने जमा हो चुके थे। सीटू यूनियन के सतना जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, रावल महासचिव तेज प्रताप दुबे और राकेश सिंह भी प्रबंधन से चर्चा के लिए केजेएस पहुंच गए थे। नाराज मजदूरों ने श्रमिक नेता मनीष शुक्ला का सब सड़क पर रख दिया और प्रदर्शन करने लगे। पहले तो प्रदर्शनकारी 1 करोड़ रुपए मुआवजे के साथ मृत श्रमिक नेता के परिवार के एक सदस्य को स्थायी नौकरी, दोनों बच्चों की पढ़ाई के खर्च की मांग पर अड़े रहे, लेकिन बाद में बात 50 लाख पर अटक गई। प्रबंधन 18 लाख रुपए मुआवजा देने पर राजी हुआ, लेकिन परिजन और सीटू नेता इस पर सहमति नहीं थे कई दौर तक चली वार्ता के बाद आखिर देर रात 22 लाख रुपए के मुआवजे परिवार के एक सदस्य को 7200 रुपए महीने की नौकरी और मृतक के दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्च प्रबंधक द्वारा उठाए जाने पर सहमति बनी। इसके बाद प्रदर्शन खत्म हुआ और देर रात लगभग 1 बजे सबको मृतक के घर ले जाया गया। इस मामले में कुछ लोगों ने फैक्ट्री प्रबंधन की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए साजिश में शामिल होने के आरोप लगाए थे। वारदात फैक्ट्री के बाहर बाईपास मार्ग पर हुई थी, लिहाजा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं। फुटेज में मनीष की बाइक के पीछे एक अन्य बाइक में कुछ लोग जाते हुए नजर आए हैं। पुलिस उनका भी पता लगाने की कोशिश कर रही है। श्रमिक नेता मनीष शुक्ला ने घटना की रात ही पुलिस को अपना बयान दिया था। उस वक्त मनीष की हालत इतनी गंभीर थी, उसने खुद अपना बयान दिया था। एक AASI ने उसके बयान पर मजदूरों के सामने दस्तखत कराए थे, लेकिन इसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि मनीष की हालत बिगड़ी और उसे जबलपुर ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। यह सवाल हर किसी के जेहन में कौंध रहा है। सवाल घटना के शुरुआती दौर में पुलिस की भूमिका पर भी उठ रहे हैं। हालांकि इस मामले में अब SP आशुतोष गुप्ता खुद नजर बनाए हुए हैं और हर स्थिति की बारीक से बारीक जानकारी ले रहे हैं।